Hello everyone, I am Sonal and welcome to our YouTube channel in ZOOLOGY. Students, आज हम अपने most awaited batch की announcement करने जा रहे हैं. तो आप सब समझ ही गए होंगे thumbnail देख के. हम batch की announcement कर रहे हैं B.sc part-3 Zoology Honors की. ठीक है, ये जो नया batch आ रहा है हमारा, ये है B.sc part-3 Zoology Honors की. Okay? तो इस बैच में कौन कौन इनरोल कर सकते हैं? जो स्टूडेंट्स मुंगेर यूनिवर्सिटी, टीएमबीयू, पूर्णिया यूनिवर्सिटी या फिर बीएनएमयू से बिलोंग करते हैं, वह सभी स्टूडेंट्स इस बैच में अब इनरोल कर पाएंगे. तो देखो, मैं बता देती हूँ कब से कब तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है. सो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि इन चारों यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है. रजिस्ट्रेशन आज से हम 25 जून तक एडमिशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे. ठीक है, और यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है कि आपकी 22 जून से क्लास स्टार्ट हो जाएगी. ठीक, तो स्टूडेंट्स अब लेट करने का कोई फायदा नहीं है. जल्दी से जल्दी जो भी लोग हैं ज़ूलॉजी ऑनर्स part-3 में इनरोल करना चाहते हैं इस बैच में, वो जल्दी से जल्दी एडमिशन लें. अभी तक आप B.sc part-1 हो या फिर part-2 हो, सारे ऑनर्स जितने भी ऑनर्स पेपर है उसमें हमने क्या देखा, हमने सब्सिडरी भी हमें पढ़ना पड़ता था, ऑनर्स पेपर भी अलग से थे. लेकिन part-3 में क्या ट्विस्ट है कि अब यहाँ पे आपको 4 पेपर ऑनर्स के पढ़ने हैं. ठीक है, सब्सिडरी नहीं है, 4 पेपर आपको ऑनर्स के पढ़ने हैं. फिर आपका GS हो जाएगा, ठीक है, अलग से. तो 4 पेपर ऑनर्स पेपर के हैं और साथ साथ आपको GS भी पढ़ना होगा. GS में क्या आएगा, GK GS होता है, ये होता है जनरल स्टडी में, जैसे कि आप कंपटीशन में जो भी आप पढ़ते हो. ठीक है, GK स्टैटिक, GK, ठीक है, प्रेजेंट के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ के जाओगे, एक बार आपका हो जाएगा GS पेपर. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने हैं, बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत मेहनत लगती है. और जिन बच्चों का B.sc part-1 और B.sc part-2 इन दोनों में मार्क्स कम है, तो उनके लिए तो सोचो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तभी जाके वो फर्स्ट डिवीज़न आ पाएंगे. अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है, इसी तरह से आप बैठे रह जाना और आपके मार्क्स भी उसी तरह से आएंगे, जो कि 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न. तो साइंस स्ट्रीम में हम हमेशा से कहते हैं कि B.sc part-1 हो, part-2 हो, part-3 हो, किसी में भी चांस स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए. आपका साइंस हिस्ट्री में कम से कम अगर एक्सपेक्ट करे तो हमें फर्स्ट डिवीजन लाना जरूरी है. तो जितनी जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो, उतनी जल्दी आपके सारे सिलेबस, सारे टेंशन part-3 से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे. 10-15 बार आप रिविजन कर सकते हो, एक क्वेश्चन की लिख सकते हो, अपने आप को प्रैक्टिस के जरिए परफेक्ट बनाने का मौका है आपके पास. तो इसलिए ये फर्स्ट बैच है, जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कीजिए, क्योंकि फर्स्ट बैच आ रही है तो जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी इस पर अटैक करने वाले हैं. तो बिल्कुल आप भी क्या करो, जिस दिन आप इंक्वायरी लो, आपको समझ में आती है मेरी क्लासेस, ठीक है, अगर आप देख चुके हो मेरी क्लासेस, तो फिर आप उसी दिन इनरोल कर लो, लेट करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो हमने उधर सारी चीजें समझ ली हैं. तो अब हमें समझना है हमारा मार्किंग पैटर्न, क्योंकि आप part-3 में आ गए हो, जैसा टारगेट आप बनाओगे उस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, आप उस तरह से अचीव कर पाओगे. ठीक है, तो एक बार मैं मार्किंग पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर देती हूँ. ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ लेना मार्किंग पैटर्न क्या है. सबसे पहले तो ये समझ लो कि अभी B.sc part-3 में आपके कोई भी सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं होने वाले हैं. ठीक है, जो हम लोग B.sc part-1 और part-2 में पढ़ते थे केमिस्ट्री और बॉटनी एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, तो अब कोई भी सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं होगी. सब्सिडरी सब्जेक्ट की जगह पे ऑनर्स पेपर बढ़ चुके हैं, जो हम पहले B.sc part-1 और part-2 में 2 ऑनर्स पेपर पढ़ते थे, राइट. तो अब यहाँ पे हमें 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने हैं. ठीक है, 4 ऑनर्स पेपर, और इसके अलावा हमें GS यानी कि जनरल स्टडीज करने हैं. ठीक है, जनरल स्टडी में हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं. अगर आप में से कोई जनरल कंपटीशन पे फोकस कर रहा है, जनरल कंपटीशन की प्रेपरेशंस कर रहा है, तो उन लोगों के हिसाब से बहुत हल्के फुल्के सवाल आएंगे. करंट अफेयर्स पढ़ लेना GS के लिए. बाकी सारी चीज़ें हमने समझ ली हमारे क्लासेस के बारे में. अब हम आते हैं अपने मार्किंग पैटर्न पे. ठीक है, किस तरह से क्या पढ़ना है, मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स में आप पास होंगे, कितने मार्क्स में फेल होंगे, तो अब ये जान लेते हैं. part-3 के
टोटल ऑनर्स पेपर के मार्क्स होते हैं 400, क्योंकि यहाँ पे चार ऑनर्स पेपर है और चारों ऑनर्स पेपर के फुल मार्क्स 100 100 है, तो यहाँ पे चार ऑनर्स पेपर है तो हो गए हमारे फुल मार्क्स 400। 400 में हमें पार्ट थर्ड में एटलीस्ट 180 लाना होता है तब जाके हम पास हो पाते हैं। अगर मैं बात करूँ तीनों साल के, यानी कि पूरे बीएससी की बात करें, आपके 3 साल की सफर की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें 8 ऑनर्स पेपर पढ़ने होते हैं और 8 ऑनर्स पेपर में फुल मार्क्स कितने होते हैं, 800 मार्क्स के होते हैं। 800 मार्क्स में हमें कम से कम 480 मार्क्स लाना होता है तब जाके हम फर्स्ट डिविजन आएंगे। ठीक है, पास फेल की बात हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फर्स्ट डिविजन की बात करेंगे क्योंकि वही हमारा टारगेट है। तो हमें क्या करना होगा, इतने मार्क्स, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो आप कि आपका 480 मार्क्स से ऊपर मार्क्स आए। ठीक है, 500 510 जितना ऊपर जा सकते हो आप। ठीक है, अगर आपके बहुत कम मार्क्स है बीएससी पार्ट वन और पार्ट टू में, तो सिर्फ ये सोच के मेहनत करो कि किसी तरह से मुझे 500 मार्क्स लाने हैं ताकि मैं फर्स्ट डिविजन की कैटेगरी में आ सकूं। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट डिविजन लाएगा एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आप ग्रेजुएशन के बाद आने वाले फॉर्म्स, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं, बैंकिंग के फॉर्म्स होते हैं, उन सभी को आप आसानी से भर सकते हो। वरना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही आप छट जाओगे, फॉर्म ही नहीं भर पाओगे आप। ठीक है, तो आगे का करियर आपके बीएससी पार्ट थर्ड पे डिपेंड करता है। कई लोगों का ये लास्ट होगा, इसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देंगे, उसके बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के जॉब प्रेपरेशंस में लग जाएंगे, राइट? तो ये सचमुच आपका लास्ट डिग्री है। ठीक है, जो बीएससी तक पढ़ने वाले हैं सिर्फ, उसके बाद वो जॉब लेने की सोच रहे हैं, तो ये सचमुच आपका लास्ट टाइम होने वाला है जब आप पढ़ोगे, पढ़ के मार्क्स लाओगे, आपके जो रिजल्ट होंगे वही आपका करियर आगे सेट करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा हम 10th 12th से सुनते आ रहे हैं, बट ये फाइनल वाला ब्रेक है कि अगर हम ग्रेजुएशन अच्छे से 60% मार्क्स ला के कर लेते हैं तो यहाँ पे सच में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और आप बहुत सारे फॉर्म्स को आसानी से फिल कर सकते हो। ठीक है, जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप पे अब मेहनत करना है आगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ये पार्ट थर्ड है आपका, इस बात को बहुत गांठ बांध के रख लीजिए, ध्यान दीजिए इस बात पे, पार्ट थर्ड है, इसमें कोई भी चांस दोबारा नहीं मिलेगा। एक गलती आपकी और आप फिर सेकेंड डिविजन थर्ड डिविजन लाके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पास तो है, वैसे भी हो सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। जब तक फर्स्ट डिविजन साइंस में ना आए तब तक कुछ नहीं होने वाला है, आगे के लिए भी और अभी तो है ही। ठीक है, पार्ट थर्ड का ये वास्ट सिलेबस है, इस बैच में इनरोल करके, इस कोर्स को ज्वाइन करके आप जितनी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हो उतनी ही जल्दी आप बाकी चीजों पे फोकस कर पाओगे, जैसे कि आपका आंसर राइटिंग स्किल। ठीक है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है अपने आंसर को, जितना ज्यादा आप जितनी तेजी से लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस वास्ट है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्यादा आपको लिखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा याद रखने होंगे और वो लिखने की प्रैक्टिस पूरी की पूरी होनी चाहिए, तब जाके आपका दिमाग जो है एग्जाम में आपके दिमाग पे ब्रेक नहीं लगेगा, आप फ्लुएंटली लिखते चले जाओगे। और आपके पास टाइम, टाइम की बात आती है, यस, टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है हर ऑनर्स पेपर में और प्रैक्टिकल 6 घंटे जो आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियोस भी हम अपलोड कर रहे हैं, उन सारे वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट थर्ड वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये पार्ट वन पार्ट टू, सभी जितने भी 3 साल के आपके सफर होंगे उसमें प्रैक्टिकल की ये वीडियोस आपको हमेशा हेल्प करेंगी, क्योंकि यहाँ हम बेसिक से लेके जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और पार्ट थर्ड में प्रैक्टिकल का अपना ही महत्व है, मैंने बताया कि ये 100 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल, तो 100 मार्क्स में आपको कहीं पे भी चूकना नहीं है, हर चीजों पे ध्यान देना होगा, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और आंसर राइटिंग वगैरह पे बिल्कुल फोकस करो, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करो। ठीक है, तो अगर आपको बीएससी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड इन तीनों के बारे में, ओवरऑल एग्जाम का सिनेरियो, आपको बीएससी कैसे करना है, इन सारी बातों को समझना है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस वीडियो को जरूर जाके देखें ताकि आपको ग्रेजुएशन कैसे करना है ये पता चले। ठीक है, और पार्ट थर्ड वालों, अब आपके लिए बैच आ गया है, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो। अब बारी आती है मेन चीजों पे, सारी चीजों को तो हमने बता दिया, अब बारी आती है आपकी फीस स्ट्रक्चर की। तो बीएससी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए फी कितना लगने वाला है,
क्या है फी स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो बीएससी पार्ट थर्ड की कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है एम्सोलॉजी में, ये आपको करवा रहा है पार्ट थर्ड की पूरे सिलेबस को कंप्लीट 4,499 रुपीज, ठीक है, बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे आपको ये पार्ट थर्ड के 4 ऑनर्स पेपर के सारे सिलेबस को बताने जा रहा है, ठीक है, और आपकी थियोरी को पूरी तरह से कंप्लीट कराने जा रहे हैं हम। तो ये सिर्फ मात्र 4,499 रुपीज पर अवेलेबल है। तो आज से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है और स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, तो ये हमारा एम्सोलॉजी का नंबर है, इस पे जरूर आप संपर्क कर ले और अपने सारे कंफ्यूजन के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हम अपने पेड कोर्स में। ओके, वहीं पे आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगी। थैंक यू।